आज मैं कुछ एल्जेब्रा का कुछ शॉर्टकट ट्रिक लेकर आया हूँ जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जैसे एसएससी और रेलवे में। जैसे देखिए, ये हमारा है पहला शॉर्ट ट्रिक। क्या है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द कंजुगेटिव नंबर इज एक्स, दो जो जो कंजुगेटिव नंबर है उसका यदि वो एक्स है, देन द नंबर यानी वो नंबर पूछ रहा है कि कौन कौन से हैं, ठीक है, एक्स और वाई पूछ रहा है। अब मैंने जैसे एक देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू कंजुगेटिव नंबर इज ए 39, फाइंड द नंबर्स। एक तो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है जिसमें हम एक्स मान के निकालते हैं। जैसे पहला नंबर क्या हुआ, एक्स, उसका कंजुगेटिव नंबर क्या हुआ, एक्स प्लस वन। अब जैसे इसमें क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द कंजुगेटिव नंबर, यानी पहले जो बड़ा होगा वो पहले आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस एक्स का इक्वल टू 39। अब ये स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है, अब ये आएगी, ये आएगी, अगली टर्म आएगी, तो एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 2x, और 1 + 1 को मैं जल ले जाता हूँ तो वो 38 हमको मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 था, यहाँ पे मैं नीचे लेके आऊँ डिवाइड में, तो वहां पर डिवाइड करके हमारा 19 आया, ठीक है। एक हमारे पास एक्स कितना है, 19, और जो उसका दूसरा नंबर होगा उसमें हम एक ऐड कर देंगे तो 20। ये तो हमारा था, तो हमारे पास दो नंबर क्या आ गए, 19 और 20, ठीक है। लेकिन हम इसमें हमें एग्जामिनेशन टाइम पे हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम इसे शॉर्ट से क्या लगाएंगे, ये एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। यदि देखिए यहाँ पे एक्स कितना दे रखा है, 39, एक्स कितना है, 39, तो हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या थी, एक बार प्लस माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस किया तो 38 डिवाइड बाई टू, हमारा एक नंबर क्या है, 19, जो कि ये रहा, ठीक है, और एक बार प्लस करना है तो 40 डिवाइड बाई टू, 20, ठीक है, जो कि ये रहा। ये आप बच्चे नोट कर लीजिए, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक काम में आएगी एग्जामिनेशन टाइम पे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं, हम एलजेब्रा की एक वो चला रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा रूल नंबर आपको बताता हूँ, इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज एक्स एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज वाई, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये एक लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है, हमें लैंग्वेज को ध्यान में रखना है। इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज एक्स एंड द उसमें सम, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट दिया रहेगा, एक्स और वाई का, ठीक है, जो कुछ नंबर होगा, ठीक है। और जो दूसरी लाइन क्या होगी, द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी वेरिएबल का स्क्वायर दिया रहेगा जो कुछ नंबर होगा। पूछेगा क्या, द सम ऑफ द टू नंबर एंड द डिफरेंस, यानी दो नंबर का सम पूछेगा और उसका डिफरेंस पूछेगा। देखिए अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन का इस रूल का एग्जांपल है, यानी दो दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना है, 143, यानी 143, और जो सम ऑफ द स्क्वायर इज 290, यानी वही फाइंड द सम एंड डिफरेंस। मैंने यहाँ पे वही ये जो लगाया है शॉर्टकट लगाया है, यहाँ पे y की जगह हमने 290 है और 2x 2 into x की जगह 143 डाल के इसको एड ऑन करके इसका स्क्वायर रूट ले दिया है, जो हमारा 54 यानी 576 यानी 576 आया, जिसका स्क्वायर रूट निकाल के 24। हमारा एक नंबर कितना आया, 24, और इसका जो जो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें वही 290 286 को कर देंगे तो 100 root 4 का तो 2, यानी हमारे पास सम आया 24, डिफरेंस कितना आया 4। इसमें देखिए कितना हार्डली 10 सेकंड का टाइम लगेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा रहा, बस आपको एक तरह से यदि आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है तो आप इसको कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप इसका कन्वेंशन मेथड भी ध्यान ले तो वो भी अच्छा है। जैसे कन्वेंशन मेथड में हमें ये चीज देखिए, एक्स इंटू वाई गिवन है और उसका स्क्वायर गिवन है, हम जैसे जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टwice x इंटू वाई, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, ये हमें गिवन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 290 है, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, 2 × x इंटू वाई की जगह हमने 143 की वैल्यू पुट कर दी, जो हमारा वही 576 जो कि हमारा यहाँ पर आ रहा था, तो उसका स्क्वायर रूट लेते लेके हमने 24, हमारा एक जो एडिशन में जो वैल्यू थी जो उसका सम पूछा था वो आ गया। अब सीन इन द सिमिलर वे हम इसका डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं ये फॉर्मूला लगा के, वही स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने इसका वैल्यू वही आ जाएगी, माइनस करके
अंडर रूट फोर, जो अंडर रूट फोर हमारा क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। जैसे कि आपने हमने देखा इसका कन्वेंशन मेथड भी बहुत जाना जरूरी है, ये हम जब लगाएंगे जब हमारी कन्वेंशन मेथड पे हमारी पकड़ अच्छे से बन जाएगी। प्लीज नोट इट डाउन दिस रूल एंड इसको जरा ध्यान में रखना, ये हमारा शॉर्टकट वाला है रूल है, इसे आप याद कर सकते हो, याद कर ली, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये दिमाग में फिक्स होएगा, समझ रहे ना आप? तो अच्छा है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसकी मैं आगे सीरीज अभी लेता हुआ आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि रूल 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द टू नंबर इज एक्स एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, यानी सम दे रखा होगा दो नंबर का और दो नंबर का स्क्वायर दे रखा होगा कि उसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द, उसमें क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज, ठीक है, एक ये एंड द नंबर यानी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, दैट मींस कि ही इज आस्किंग अबाउट इसका एक्स इंटू वाई कितना होगा। तो ये हमने शॉर्टकट में मैंने आपको बताया है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, कृपया ये जरा गौर से देख लीजिए, ये तो हमारे नंबर्स की वैल्यू होगी है ना, और ये उसका यदि प्रोडक्ट पूछेगा तो ये हमारा ये होगा, ठीक है। अब मैं रूल नंबर 3 का एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, उसको जरा ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहला हमने पढ़ा था रूल नंबर 3 का, एक हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, अब मैं उस पर बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे द सम ऑफ द टू नंबर इज 13 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 85, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। हम पहले कन्वेंशन मेथड देखेंगे, इसमें पहले देखिए सम दे रखा है, x प्लस y दे रखा है इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, x स्क्वायर एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 85, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। हम अब इसको सॉल्व कैसे करें, हम इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 का हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 a * x वो xy इक्वल टू, यहां 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, ठीक है। यहां पे हमने क्या करा, यहां पे हमें गिवन है वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की यहां पुट करी और हमें वैल्यू क्या निकालनी है, 2 * xy की निकालनी है इक्वल टू 169, तो 2 169 को 85 उधर ले गए तो हमारे पास क्या है 84, तो हमने यहां से 2 से यहां डिवाइड करा तो 42, x * y हमारे पास कितना है 42, ठीक है। आगे हमने वही यहां पे पहले प्लस का फॉर्मूला लिया था, अब यहां पे माइनस का स्क्वायर करके इन द सिमिलर मैनर हमने क्या निकाला, x माइनस y इक्वल टू 169 माइनस 1 4 * 42 यानी इक्वल टू 1, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ऑन सॉल्विंग हमने क्या देखा, ये देखिए यहां पे इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर रखा है, एडिंग करके हम मैंने इसको सॉल्व किया है ऑन एडिंग, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो वहां पे 2x = 7 है ना, 2x = 14 आया तो यहां पे हमने फिर दोबारा डिवाइड करा 14 को 2 से तो यहां पर 7 आया, तो हमने x की वैल्यू यहां पे रख दी, x plus y में रख दी, 7 plus minus y equal to 1, तो यहां पे इधर ले गए 7 minus 1 equal to, तो 6, हम देख सकते हैं यहां पे 6 आया, ठीक है y की वैल्यू। अब देखिए ये मेथड तो है कुछ लंबा, एग्जामिनेशन में इससे कुछ काम नहीं चलने वाला, ठीक है बच्चों, हम इसमें शॉर्टकट पे ध्यान देंगे, ये हमारा शॉर्टकट का हमारा ये एलजेब्रा में ही हम, मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, जब हम परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस करेंगे तो हम उस पर कॉन्सेप्ट पे थोड़ा जोर देंगे, ठीक है बच्चों। अब जैसे x प्लस मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसमें देखिए याद कैसे करना है, हम जैसे x माइनस अंडर रूट 2y माइनस x स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे ये आपको याद होना चाहिए प्लस, यहाँ पे बस दूसरे नंबर में पे प्लस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू रखी फॉर्मूले में, देखिए 13 माइनस यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 85, ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे रखा और ऑन सॉल्विंग हमें क्या मिलता है, पहले में 6, ठीक है, और हमें एडिंग वाले में भी यहाँ पे सेम वैल्यू हमने वहां पे 1 मिली, लेकिन यहाँ पे माइनस कर देते हैं प्लस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 और 7 सेम। हार्डली इस मेथड को यदि आपको याद है तो आपको 10 सेकंड से कम लगेगा, ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस बनाना है कि आपकी ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहे और अच्छे से छप जाए, और ये आपको प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बताकर, उनके साथ वीडियो शेयर करके या उन्हें और आगे मोटिवेट करके,
कि आपके दिमाग में एटलीस्ट आपको आपके और आपके दोस्त का सिलेक्शन तो चाहिए होगा, ठीक है। अब देखिए मैं रूल नंबर 4 लाऊंगा आपके सामने, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बता सकते हैं। मैं रूल नंबर 4 लेकर आया हूँ एलजेब्रा का, ठीक है, और ये अभी का क्लास रूल है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी बनाऊंगा आपके लिए एलजेब्रा पे, ठीक है। अगर कोई बचा हुआ होगा तो मैं आपको उसके साथ कन्वेंशनल मेथड के साथ साथ उसके शॉर्ट मेथड भी या शॉर्टकट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, और बताता भी आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रूल नंबर 4 लिख रखा है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर टू नंबर इज एक्स एंड द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस इज वाई देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज, ये मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको जब भी याद रहेगा दिमाग में जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। और मेरी आपसे सब स्टूडेंट से विनती है कि आप कृपया इसकी प्रैक्टिस करें जब भी आपके दिमाग में रहेगा, वरना सब लोग सोचते हैं फॉर्मूले याद करने से कहाँ होता है, मैथ समझने से होता है, मैं मानता हूँ समझने से होता है, बट समहाउ आप अगर प्रैक्टिस करें इसको सही से दिमाग में उठाए तो ये आपके दिमाग में बैठ सकता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले याद करना यानी बहुत बड़ी महान काम नहीं है, इंसान ही याद करता है हम जैसे, ठीक है। एंड देखिए मैंने इसमें एक एग्जांपल भी बताया हुआ है, इफ सम ऑफ द स्क्वायर टू नंबर इज 90 एंड द स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस इज 46 विद प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। या तो आप सीधा ही फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले मैंने इसका कन्वेंशनल मेथड लिखा हुआ है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर टू नंबर इज वही x² + y² = 90 इक्वेशन नंबर 1, और सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी डिफरेंस का स्क्वायर यानी 46, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगा दिया है, आप देख सकते हैं x² + y² - 2 × xy = 46, यहाँ पे मैंने x² + y² की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 2xy को यहाँ ले गया हूँ इक्वल टू के राइट साइड पे, ठीक है, माइनस को इधर ले गया 46 वाले को, तो यहाँ पे 44 को मैं ये इसका माइनस का क्या आया, फिर मैंने इसे 2 से डिवाइड करके मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया है 22, ठीक है। इसमें आपको एग्जामिनेशन टाइम में कम से कम ये आपको 1 मिनट तक तो लेगा ही, ठीक है। यदि आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो देखिए इसमें x की जगह आप हम 90 ले सकते हैं और जो उसका y की जगह 46 ले सकते हैं, हमें बस इसकी यही चीज़ याद रखनी है, स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस इज 46, यानी यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी, सीधे सीधे इसको माइनस कीजिए, 42 डिवाइड बाय 90 माइनस 46 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है 44 देख सकते हैं, 44 आ रहा है, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या नंबर, हमारा क्या प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 22, ये देखिए हार्डली आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा निकालने में, ठीक है दोस्तों। मैं बहुत जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा एलजेब्रा का, और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है, जैसे कि मैं अच्छे बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप ये ना सोचें कि मैं एलजेब्रा पे आपको फॉर्मूला ही दे रहा हूँ, ठीक है। यदि इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपने बहुत अपनी छोटी क्लासेस में सीखा होगा लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई इसमें डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, धन्यवाद।